नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जहनियत है वो लोग जान चुके हैं। दूसरा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ऐसी कोई बात होती है तो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ो। ये तीनों देश विरोधी हैं, इनके कारण से कश्मीर की बर्बादी हुई है। जो पोस्टर लगे हैं उसमें गलत क्या है? आपके मैनिफेस्टो में ये चीजें आप रिलीज करते हो कि हम उन पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, तो क्या लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? आप नाम बदल करके, शंकराचार्य जो हिंदू आस्था है उसका नाम बदल करके उसके नाम कुछ और रखोगे, हरि पर्वत का नाम कुछ और रखोगे, ये कौन सहन करेगा? पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो, वहां पर ट्रेड के माध्यम से जो जो स्मगलिंग होती थी हथियारों की, आप लोगों के कारण से ये सब हुआ। आप यहां पर जो हालत पाकिस्तान की हो रही है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ऐसी हालत बनाना चाहते हो? आपकी जहनियत में क्या है ये लोग जाने, इसलिए जरूरी है। पहले ही कश्मीर के लोगों ने भी आपको नकारा है, लोकसभा के इलेक्शन में आपके बेटे को हराया, आपकी जो पार्टनर इंडी गठबंधन की महबूबा उसको बुरी तरह से पराजित किया। कुछ भी कहो, आज आपको हमारी बीजेपी की बातें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन लोग देश विरोधी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो क्या होता है, अब ये क्या कहते हैं, ये तो लोग बताने वाले हैं। जनता का जो वर्डिक्ट होगा वो सभी को स्वीकार होगा। जनता क्या चाहती है ये लोकसभा में बता चुकी है, और आने वाले में समय में क्या होगा, तब तो आप सभी दल इकट्ठे होकर के लड़े थे, अब तो बहुत से दल हैं कश्मीर में, वो भी आपको समझते हैं। आप कहाँ ऊंट किस कमर बैठता है उसके बाद देखा जाएगा। फारूक अब्दुल्ला भी बोलते हैं कि उनको अलाउ करना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने उनको बैन किया सरकार ने, तो ये हम पर कैसे कह सकते हैं? ये तो इनकी जहनियत है, ये तो उनका सहारा लेकर के तो इलेक्शन जीतते थे, कभी बाइकॉट करवाते थे और कहीं 2,000, 4,000, 3,000, 500 वोट लेकर के एमएलए एमपी बना करते थे। अब इनका जो बस है वो नहीं चल रहा, तभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।